हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मीनल जैन। आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही कॉमन और बेसिक ऐसा रूब्रिक लेकर आई हूँ जो कि है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। एक क्यूरी आई थी जिसमें किसी ने पूछा है कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और थियोराइजिंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का फील समझते, मतलब कि आपको थियोराइजिंग के साथ में उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ये रूब्रिक माइंड सेक्शन का है ना। इसके अंडर 17 रेमेडीज आती है। ये जो रूब्रिक है वो सिंपल से दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड उसमें है कि ऑब्जेक्टिव और सेकेंड वर्ड है रीजनेबल। तो ऑब्जेक्टिव का हिंदी में मीनिंग क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव बोले तो उद्देश्य है ना। जो जो व्यक्ति होता है वो एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो भी कोशिशें करता है वो होता है उसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये जो वर्ड है हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग उसे यूज़ करते ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट्स वगैरह, ऐसे हर बहुत सारी जगह पर ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब कैसे है ना कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भाई एग्ज़ाम में पास होना, क्या करता है ना, उसको जो चीज़ अचीव करनी होती है या उसको जो चीज़ हासिल करनी होती है ना, उसके लिए वो कोशिशें करता रहता है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ये वर्ड बहुत जगह पे हमारे कॉलेज लाइफ में, जब हम लोग प्रैक्टिकल्स लिखते थे तो तब जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे उसमें भी ये वर्ड बहुत बार यूज़ किया है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, ऐसा हम लोगों को बताना पड़ता था, है ना। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव के बारे में। अभी रीजनेबल क्या होता है ना, रीजनेबल को देखते हैं। रीजनेबल का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है कि उचित, किफ़ायती, वाजिब है ना, तर्कसंगत। ये तो हो गया उसकी डिक्शनरी मीनिंग। अब आपको सिंपल सा रीजनेबल ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आज ही का एग्जांपल देती हूँ। आज मैं मार्केट गई थी है ना, मुझे एक ट्रैवलिंग बैग लेना था। तो मैंने एक शॉप देखी, उसमें ट्रैवलिंग बैग मुझे पसंद आ गई। तो फिर मैंने वो जो ट्रैवलिंग बैग थी उसको देखा। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि भाई वो 1500 तक की तो आराम से होगी। ठीक है, फिर मैंने वो शॉपकीपर वाले को पूछा कि भाई भाई साहब कितने की है, तो उन्होंने कहा कि 2500 की है ना। तब फिर मैंने बोला कि भाई क्या बता रहे हैं ना ये अंकल, ऐसे क्या बोल रहा है कि जो 1500 की भी क्वालिटी वाली चीज़ नहीं है, उसका जो मटेरियल है, उसकी जो साइज़ है, वो हिसाब से वो 1500 भी नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है कि उसकी 2500 कीमत बोल रहा है ना। तो वो क्या हो गया ना, वो अनरीजनेबल बता रहा है। रीजनेबल रेट तो उसके मैक्स टू मैक्स 1000 तक के, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक के वो उसने देना चाहिए है ना। तो ये उसका रीजनेबल प्राइस हो गया। और वो जो बोल रहा है वो अनरीजनेबल है कि भाई वो जो चीज़ है उससे उसका कुछ मेल नहीं खा रहा है। वो जो प्राइस बोल रहा है और वो चीज़ की क्वालिटी है उसमें कोई मेल नहीं है, है ना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जब भी मार्केट वगैरह जाते हैं तो हम लोग ये कॉमनली बहुत वर्ड यूज़ करते हैं रीजनेबल, कि भाई सब रीजनेबल दो, रीजनेबल लगा दीजिए, ये रीजनेबल रेट में नहीं है, आप कुछ भी बता रहे हो। इस टाइप में हम वर्ड्स, ये जो रीजनेबल है ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया रीजनेबल। ये जो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, ये जो वर्ड है ना, ये इमोशन के साथ नहीं आता है कभी भी। ये जो वर्ड है, जो रूब्रिक है पूरा, ये एक इंटेलिजेंट के साथ में चलता है। क्योंकि जितनी भी रेमेडीज है वो जो जितनी भी रेमेडीज है वो हर एक रेमेडी इंटेलिजेंट में आती है। मतलब क्या कि जब भी किसी व्यक्ति को जब कोई रीज़न निकालना है या कोई लॉजिकली बात करनी है तो उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब बहुत शार्प होता है वो पर्सन, है ना। तो इसीलिए जितनी भी रेमेडीज है वो सब इंटेलिजेंट रेमेडीज है इसमें, है ना। अभी देखिए, अभी रीजनेबल तो समझ गया। रीजनेबल में व्यक्ति हमेशा जस्टिफाई रीज़न देता है आपको। पेशेंट आपके सामने ऐसी चीज़ें रखेगा कि ऐसी बातें या ऐसे रीजन्स बताएगा कि जो जस्टिफाई है ना। ये हो गया रीजनेबल। हम लोग इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन देखते हैं। मेरे पास एक पेशेंट था, है ना,
वो उसके लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा दर्द और थोड़ा नमनेस था, है ना। वो मेरे पास आया और बोला कि मेरे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में दर्द है और थोड़ा सा नमनेस है। तो मैंने बोला ठीक है, कितने दिनों से, मैंने पूछा। तो वो बोले पिछले 4-5 दिनों से तो है ही। तो मैंने बोला फिर 4-5 दिनों से, तो आपने इसके लिए क्या लिया? कुछ तो लिया होगा ना, कुछ ट्रीटमेंट कराई होगी क्या? तो फिर वो बोले नहीं, बोले मैंने इसके लिए कुछ नहीं लिया, मैं एक डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि ECG निकालो। बोले तो मैं उनसे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, मैं सीधा आपके पास चला आया। बोले मैंने बोला क्यों नहीं कराया आपने? देखिए बोले मैडम, मुझे पता है 4-5 दिन पहले मैंने ये हाथ से, लेफ्ट हैंड से थोड़ा भारी काम कर लिया, उस वजह से वो जो दर्द उठा है, ये जो थोड़ा हेवीनेस लग रहा है उस वजह से लग रहा है। ECG निकालने की क्या ज़रूरत है ना उसमें, मैं क्यों फिर ECG निकालूँ? इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, वो मेरे पास क्यों आया ना, एक उद्देश्य लेके आया कि उसका जो हाथ है उसका दर्द मैंने ठीक करना चाहिए, ठीक है। और वो मुझे मेरे पास आने का रीज़न बता रहा है कि भाई वो डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए ECG निकालना पड़ता है। ECG ये तो कुछ है नहीं ना, इसमें ऐसा कुछ लगता तो नहीं कि भाई ECG निकालना पड़ेगा, एक 4-5 दिनों के दर्द में कोई ECG निकालता है क्या? तो ये उसने मुझे रीज़न दिया उसके पीछे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब एक छोटा सा और एग्जाम्पल बोलती हूँ। मेरे पास ना एक अंकल थे जिनको ना पीछे ऐसे पीठ में दर्द था, काफ़ी 3-4 महीने से दर्द था उनको। तो वो मेरे पास आए और बोले कि मैडम, बोले 3-4 महीने से दर्द है, बोले पीठ में दर्द है, कुछ काम करना नहीं बन रहा है, नीचे झुकना बन रहा नहीं है, कुछ नहीं। तो मैंने पूछा उनको भी कि भाई आपने 3-4 महीने से दर्द है तो इसके लिए कोई तो ट्रीटमेंट ली होगी ना? तो बोले हाँ मैंने ट्रीटमेंट ली, बोले एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली थी, बोले उन्होंने 2 बार एक्सरे निकाले, बोले पर उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि, बोले कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है। अभी दो दो एक्सरे निकालने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रहा है उनसे, तो उनसे ट्रीटमेंट लेने का फ़ायदा ही क्या ना, मतलब ही क्या होती है कि बाहर ट्रीटमेंट में कंटिन्यू करूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर मैं आपके पास आया, बोले, है ना। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया ना, कि उसने वो मेरे पास क्यों आया और वो होम्योपैथी क्यों लेना चाहता है, उसका उसने मेरे सामने एक रीज़न रखा। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में जो पर्सन होता है ना, जो पेशेंट होता है, वो ऐसे रीजंस देता है कि जो जस्टिफाई होते हैं, कि भाई सही बात है ना, कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पे, तो वो ट्रीटमेंट वहाँ कंटिन्यू करने का मतलब ही नहीं है कोई। तो ये जस्टिफाई वाली बात है कि भाई समझने जैसी बात है कि इसमें कुछ तो सच्चाई है, कोई तो भी बात है कि वो नहीं करना, वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू वो नहीं कर रहा करके, है ना। तो ये जो रीजनेबल होता है ये यूनिवर्सली होता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है कि भाई हर कोई बोलेगा कि ये जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है ना। ये हो गया ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। अब ऑब्जेक्टिव रीजनेबल को हम लोग थियोराइजिंग के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? थियोराइजिंग में ना हमेशा जो पर्सन होता है थियोराइजिंग में, वो क्या करता है ना कि आपकी बॉडी की कोई सिस्टम लेता है, वो फिजियोलॉजिकली कोई सिस्टम जो होती है, वो सिस्टम को लेके आपको एक स्टोरी सुनाता है, मुझे एक थियरी सुनाता है। वो ज़रूरी नहीं कि वो थियरी हमेशा राइट रहेगी, यूनिवर्सल रहेगी, है ना, क्योंकि थियरी ये उसकी खुद की ओन होती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि एक बंदा बोलता है कि, बोले शक्कर की चाय पीना, बोले तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, मुझे गुड़ की चाय पीना तो उससे एसिडिटी नहीं होती, है ना। ये वाला मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया था उसमें। तो उसने उसमें क्या है ना, दोनों भी चाय तो मीठी ही रहेगी ना, जब तकलीफ होनी है तो उसको गुड़ से भी होगी और शक्कर से भी होगी। पर उसको क्या लगता है ना, उसकी जो माइंड में क्या कंसेप्ट है, उसकी जो थ्योरी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ शक्कर से ही होती है, गुड़ से उसको कोई तकलीफ नहीं होती, है ना। तो देखिए कि जो थियोरी में रहता है ना, थियोरी में क्या रहता है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है, जो जो कुछ भी उसको लगता है उसका जो कंक्लूजन रहता है वो आपके सामने प्रेजेंट करता है हमेशा। ये हो गया थियोराइजिंग। और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में ना व्यक्ति आपके सामने जो भी रीज़न देता है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे का जो वो रीज़न देता है ना, वो हमेशा रीज़न जस्टिफाई होते हैं, है ना। ये हो गया, ये दोनों के बीच में का डिफरेंशिएशन हो गया। होप गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और थियोराइजिंग का जो डिफरेंशिएशन है वो भी समझ गया होगा। आप